नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे फॉर्म पे लेके आया हूँ जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रनिंग हो रहा है, और साथ ही साथ में ये जो वीडियो जहाँ पर शूट हो रही है ये जानेंगे सर से। इस वीडियो में जो फॉर्म दिखाया जाएगा आपको, इसका एड्रेस क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि सर का प्रोफेशन क्या है, और साथ में ये बिज़नेस जो किया है सर ने वो कितने टाइम से कर रहे हैं और इसमें कितना प्रॉफिट है। तो अब सर से जानते हैं कि जहाँ पर सर जो हमारा ये एड्रेस है वो क्या है। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह जी, और ग्राम महापुर गंगापुर। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे आए हैं। और क्या कहते हैं, हमारा जो ग्राम पंचायत है वो महापुर गंगापुर है। अच्छा। और तहसील सर जो है वो बिलासपुर है, और डिस्ट्रिक्ट सर रामपुर है, और यूपी के निवासी हैं हम लोग। तो ये दोस्तों डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी, और ये गांव कौन सा है सर? महापुर गंगापुर सर। महापुर गंगापुर, तो इस गांव में सर का पिगरी फॉर्म है। अब सर से जानते हैं कि इस फॉर्म की बेसिक डिटेल, और आपको दिखाने वाले हैं सर के द्वारा कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जानवर हैं इनके पास में और कितने जानवर हैं। सर, हमारे पास इस समय प्रेजेंट में जो है लगभग 200 जानवर हैं। 200 जानवर हैं जी सर। अच्छा अच्छा तो अब हमारे दर्शकों को दिखाएंगे सर, फार्म दिखाएंगे। बिल्कुल सर, आइए इधर से आ जाएं। तो सबसे पहले भाई लोगों ये देख लो, सर के दो सेटअप हैं। पहला सेटअप ये है, पुराना हाँ, कौन सा पुराना ये है, या ये है? तो भाई लोगों पुराना सेटअप सर ने ये बना के रखा है। इसको कितना टाइम हो गया सर? इसे कम से कम जो है 8 साल होने जा रहा है। 8 साल हो गए हैं। और ये सेटअप सर कब बनाया? ये सर 2012 जी। तो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो जो है कब किया था सर? 2007 में किया था। 2007 में। अच्छा, मैं देखता हूँ जो पिगरी फार्म में आना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये भाई ये जो काम है वो हमारे लायक नहीं है। सर, मैं समझता हूँ उन लोगों की भावना अच्छी नहीं है। अच्छा। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो यही कहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना बिजनेस ही करना चाहिए, चाहे कोई भी करे, क्योंकि व्यक्ति जो जो दूसरे की मजदूरी करता है वो दूसरे के लिए कार्य करता है, और जो अपने लिए करता है वो अपना विकास स्वयं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपके जो संबंधी हैं, एक्चुअल मैं बता दूं दोस्तों कि इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो लोगों के रिश्तेदारों को धारणा ही हो जाती है कि भाई ये वाला काम कर रहा है तो ये बहुत गंदा काम है, ये ऐसे लोगों का काम है और इनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो उस तरीके का आपके पास शुरू में सिचुएशन आई थी सर? ऐसी सिचुएशन आई थी हमारे पास, जो हमारे रिश्तेदार हैं और जो खास बंधु हैं, हाँ, भाई बंधु हैं, वो उन्होंने तो जिसने जो है बिजनेस के पर्पस से देखा तो उसने कभी इस बारे में गलत नहीं समझा, और जिसने जो है इस भावना से देखा कि ये काम तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो और तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो वो तो समाज में करते ही हैं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। सही बात है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन आज जो हमारे संबंधी हैं और जो भाई हैं, भाई बंधु हैं, मिलने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आगे जाओगे, ऐसा लगता है, लोग कहते हैं। अच्छा, अब वो सजेशन करते होंगे कि भाई हमको ही बताओ इस फॉर्म में या इस बिजनेस के बारे में कि हमको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ? अरे सर, अब तो जो हर 8वें दिन पर जो फोन आते रहते हैं, कहीं आज संभावली से आ रहा है, कहीं बुलंदशहर से आ रहा है, कहीं अमरोहा का है एक बंदा अभी आ रहा है, एक बरेली का है अभी जो बिल्कुल प्रेजेंट में ही है, और फिर एक स्वार तहसील में प्रेजेंट में ही है जो यहाँ से आया है, और क्या कहते हैं, फिर हमारे गुरु हैं डॉक्टर मेहदी रत्ता सर हैं, जो भारत सरकार नोडल ऑफिसर हैं, वो क्या कहते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, और क्या कहते हैं छूट उट मिलती है अगर कोई एग्रीकल्चर BSc, हाँ, जो सब्सिडी मिलती है, तो वो इसमें बहुत योगदान करते हैं और बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, वो हमारे गुरु हैं, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, जब तक जीऊँगा जब तक आभारी रहूँगा, लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो भाई हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे चलना सिखाया है सर। अच्छा सर, जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके बारे में कि आपने क्या शिक्षा ग्रहण कर रखी है, वो बताइए। सर, मैंने जो है क्या कहते हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, समाजशास्त्र से MA हूँ, इतिहास से MA हूँ, और BEd भी हूँ, प्लस MEd भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री है। अच्छा। और अब जो है मैं LLB भी कर रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में अभी मुझे काफ़ी रुचि है, और जो है मैं जो है लोगों को जागरूक ही करना चाहता हूँ कि वो आगे आए। हमेशा ये कोसते हैं ना वो कि सर हमारी किस्मत खराब है, किस्मत कभी खराब नहीं होती, आदमी के कर्म खराब होते हैं, कर्म खराब होते हैं, और जब कर्म अच्छे होंगे तो फिर किस्मत कहाँ है हमारी,
किस्मत तो पीछे रह जाती है। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों देखो, सर के पास इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी एक अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही खास बात है। तो अब सर से जानेंगे कि सर के पास जितने भी जो जानवर हैं ये किस क्वांटिटी में है, क्या क्या है, कितने टाइम पीरियड के हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सर का जो सेटअप बनाए रखा है उसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कितने में चैम्बर बना के रखा है, कितना गेट बना के रखा है। तो सबसे पहले जो सर का पुराना जो सेटअप है, जैसे कि आप देख रहे हो ये सेटअप है, तो इस सेटअप के बारे में सर से जानकारी लेंगे और सर के साथ में इस सेटअप के लिए भी हम देखेंगे। तो सर अब आप हमारे किसान भाइयों को ये दिखाइएगा कि आपका सेटअप कैसा है, कितने जानवर है, किस किस पोजिशन पे है वो जानवर। किसान भाइयों मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से नमस्कार है, जय भीम। मेरे पास जो है दोनों सेटअप में लगभग मैं समझता हूँ 200 से ज्यादा जानवर हैं आज की डेट में, प्रेजेंट में। और जब मैंने शुरू किया था अपना तो कुल मैंने 6 जानवरों से शुरू किया था। 6 जानवरों जी से? सर मैंने 6 जानवरों से। तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में सर ने शुरू किया था और आज उसको करीब करीब 200 जानवर तक ले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता बहुत अच्छे तरीके से हासिल किया। अब देखते हैं सर का सेटअप। तो सर हमारे दर्शकों सर स्वागत है आपका। तो सर ये बताइए जो आपका ये सेट है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी क्या लंबाई? जैसे सर ये 10x10 का इधर से है और 10x10 इधर से रहता है, बीच में 4 फीट की जो है गैलरी रहती है आने जाने के लिए। ये जो गैलरी है 4 फीट की गैलरी है। हाँ सर हाँ। अच्छा 10x10 10 का इधर है और 10 का इधर है। तो आप देखते हैं सर अंदर आके। सर इसके बारे में बताइए, ये जो मादा है इसके कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये बताइए कितने दिन के हैं? सर ये अभी जो है क्या कहते हैं 5 दिन के बच्चे हैं। अच्छा हाँ, ये मादा हमारी ब्याई है, 8 अच्छा, बच्चे। हाँ और ये जो रूम है इनके लिए, ये क्या चैम्बर कितने टाइम मतलब कितना बाई कितने का? ये सर 8x6 का है। अच्छा 8x6 का है। हाँ यहाँ से यहाँ तक 8x6 लंबाई 8 फीट की और जो चौड़ाई 6 फीट की। अच्छा अच्छा, इस हिसाब से। अच्छा तो इसको कितना टाइम हो गया सर? सर इसे अभी 5-6 दिन हुए हैं ब्याई हुए। अच्छा, और जो अच्छा, हमारी माता स्वस्थ है, इसके बच्चे भी स्वस्थ हैं। अच्छा अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आइए। और एक यहाँ पर ये अलग अलग माता भी आई है ये कर रखा है। और ये कितने टाइम हो गया इसको? इसे अभी सर अभी 6-7 ही दिन हुए हैं। अच्छा 6-7 दिन हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि एक मादा जब ब्याती है तो जो है कितने बच्चे लगभग देती वो है? वो लगभग सर हमारे यहाँ पे मेरी मादा ने लगभग कम से कम 17 बच्चे तक दिए हैं सर। अच्छा 17 बच्चे। तो दोस्तों 17 बच्चे सर एक मादा से ले चुके हैं। हाँ। ये सर ने बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड ले लिया है। हाँ। इतना। हाँ। और ये जो ऊपर डाल रखी है, ये टीन डाल रखी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये टीन डालने का कुछ बेनिफिट होता है? हाँ सर, ये टीन से ये रहता है कि बारिश के मौसम में ये बारिश से हमारे जो जानवर हैं वो भीगते नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। बारिश के साथ। हाँ। और सर्दियों में सर ये सर्दी से बचे रहते हैं। अच्छा, इसलिए ये डालना पड़ता है प्यार वगैरह। अच्छा ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कैसे हैं? खड़े होंगे, बढ़िया बढ़िया। इनकी क्या उम्र है? ये सर 6 महीने के हुए हैं अभी। अच्छा 6 महीने के हुए हैं। हाँ सर। अच्छा तो कम से कम सर 9 महीने में 1 क्विंटल का हो जाता है। अच्छा 9 महीने में 1 क्विंटल का हो जाता है। हो जाता है। तो अभी जो इनका वेट होगा वो लगभग क्या होगा? ये सर 60-70 के केजी के है प्रत्येक जानवर। अच्छा 60-70 केजी के प्रत्येक जानवर है। हाँ। अच्छा और ये सेम चैम्बर बने हैं ये? हाँ हाँ। अच्छा सेम चैम्बर बने हैं। हाँ। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सर, ये 2 प्रकार का चैम्बर है। हाँ हाँ। ये किस तरीके से है? ये सर ये वाला इसलिए है कि जब इसमें बच्चे होते हैं तो हवा वगैरह आती है तो वो आधा। अच्छा। वाला ये रोक लेता है। अच्छा। और जो हुआ कोने में आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए है ये इस तरीके से, यानी कि डायरेक्टली हवा ना लगे। हाँ, इसीलिए हाँ। इस चैम्बर में 2 तरीके पार्टीशन किए जाते हैं। एक ये बीच में आप दीवाल देख रहे होंगे और इस दीवाल के उस तरफ जैसे वो मेन गेट है, मेन गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टली हवा ना लगे तो मादा आके यहाँ पे रह जाती है। ये जब बच्चे पैदा होते हैं तब की सिचुएशन के लिए इसका यूज किया जाता है और उसके बाद बहुत अच्छी हेल्थ रहती है। और बाकी ये बताइए ये यहाँ पे जो है इसमें लगभग ये कितने बच्चे हैं सर? इसमें 25 हैं। अच्छा
25 बच्चे हैं, इनकी जो उम्र है ये क्या है? ये है 3 माह सर, 3 महीने के हैं 25। तो अभी अगर इनके वेट की बात करें तो क्या ये है सर? 20 केजी, 20 केजी, 20-25 केजी तक है, 15 भी है और 20 भी है और 25 तक केजी का है। अच्छा, यहाँ पे जो इनको फीड दी जाती है वो क्या है फीड सर? हम क्या कहते हैं, चोकर, पॉलिश और मैगी। मैगी? हाँ। चोकर, पॉलिश और मैगी। तो ये अभी इनकी चल रही है। हाँ। ये कब तक चलेगी ये सर? ये जब तक जो है 1 क्विंटल का हो जाएगा, 1 क्विंटल का हो जाएगा। हाँ, तब तक 1 क्विंटल बाद हम इसे बेच देते हैं 140 रुपया किलो खड़े के हिसाब से। अच्छा, खड़ा 140 रुपए किलो। हाँ, केजी है। हाँ, केजी के हिसाब से। एक साथ में उठाते हैं रिटेल में थोड़ा एक एक करके? एक साथ में चला जाता है। अब तो कितना भी माल हो आपके पास सभी चला जाता है। आज तो डिमांड काफी है आज की डेट में। और बाकी यहाँ पर एक है और ये देखिए यहाँ पर ये किस तरीके का, जैसे ये गिल्ट है क्या? हाँ, ये मादाएं हैं जो क्रॉस हो, ये क्रॉस हो चुकी हैं। अच्छा, ये मादाएं क्रॉस हो चुकी हैं? हाँ। या प्रोसेसिंग में है? नहीं, क्रॉस हो चुकी हैं। हाँ, अभी प्रोसेसिंग इनकी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ये मादाएं हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये मादाएं हैं जो क्रॉस हो चुकी हैं। अब इनकी ये जो टाइमिंग है वो क्या रहती है? ये सर बच्चे छोड़ने के बाद में 40 दिन के बाद जब बच्चे छुटाए जाते हैं इनके, तो ये जो है 10-15 दिन के बाद में हीट में आ जाती है। अच्छा। हीट में पता चल जाता है, जब ये हीट में आती है तो एक माता दूसरे माता के ऊपर चढ़ती है, ये इसका अच्छा ज्ञान है। और बाकी जो है पीछे इसकी लालानी वगैरह उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, जिससे पता चल जाता है, मतलब आपको लक्षण पता चल जाते हैं क्या है। और ये यहाँ पे भी ये जो है मादा है। हाँ सर। तो इसको कितना टाइम हो गया इसके पास? इसे ये 8 दिन हुए हो ना इसे सर, 6-7 दिन हुए हैं इसे अभी भी आए हुए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बच्चे तो अभी बहुत तंदुरुस्त हैं। हाँ। और मादा भी सही है। अच्छा, मैं आपके फॉर्म पे ये देख रहा हूँ सर कि आपके जो जानवर है ना बहुत फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। तो इसका क्या कारण है सर? इसका कारण है, एक तो समय से वैक्सीन लगानी चाहिए। अच्छा। जो स्वाइन फीवर की वैक्सीन आती है प्रत्येक 6 माह में लगाना चाहिए। 6 माह में। हाँ, और जो है इसका जो है देख रेख ये रखनी चाहिए मैन के, हमारा जानवर राशन खा रहा है या नहीं खा रहा है। रोजाना सुबह शाम निगाह रखनी चाहिए हमारा जानवर क्या कहीं सुस्त तो नहीं है। अगर सुस्त है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट में हम जो है इन्हें ब्याला मिल दे देते हैं, वो वजन के हिसाब से देते हैं, और क्या कहते हैं बुखार के लिए लॉक दे देते हैं। अच्छा, अच्छा। या फिर रेस्ट, ये 3 चीजें ज्यादातर कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे बोर हैं। अच्छा, ये बोर हैं। हाँ, बोरों को हम अलग रखते हैं क्योंकि ये जो है बोर जो है बड़ा धुन करता है। अच्छा, तो इसमें कुछ हमने मादा भी रखी है, छोटे बोर है इसमें, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, चलिए ये बहुत बढ़िया। मैं सफाई भी इसमें बहुत अच्छी खासी है, सफाई अपनी डेली होती है सर यहाँ? हाँ सर, रोज डेली सुबह को रोजाना धुलाई होती है प्रेशर से। अच्छा। इसकी हाँ बच्चे हो गए, दोनों मादाएं हैं ये, इनके क्या कहते हैं 20 बच्चे हैं देख लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है जैसे ये मादा है कोई एक दूसरे का दूध पी लेती हो या नहीं, नहीं, मार देती हो? नहीं, 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 सर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। बहुत जानवर बहुत समझदार होता है, हम लोग बल्कि स्वार्थी हैं, कहने का मतलब ये है मेरा कि इंसान बहुत स्वार्थी है। ये तो एक दूसरे पे इतना पहचान रखती है कि मादा जो है अपने बच्चों को ही दूध पिलाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये चलिए। और एक साथ रहने में फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करती है बच्चे के साथ, देखिए कितना वो लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी बच्चे आराम कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर ये बच्चे ये दूध पी रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखिए इसके, देखिए 10 बच्चे हैं कितने, और मादा देखिए। बिल्कुल सर, इस मादा की अगर एज की हम बात करें तो क्या एज है? ये लगभग सर 1.5 साल की है, ये कई बार बच्चे दे चुकी है हमारे पास, 1.5 साल की है। हाँ। अच्छा, जो है जैसे ये बच्चा अभी पैदा हुआ है। हाँ हाँ। इसकी क्या एज होगी फुल? ये सर इसकी एज जो है क्या कहते हैं, ये होंगे 20 दिन के बच्चे सर। और इसकी एज जो है पूरी, हम समझते हैं कि 1 साल का जो हमारा एक बच्चा होता है तो वो 1.5 क्विंटल तक पहुंच जाता है। वो तो सर खवाने के ऊपर है फीड के। अच्छा। आप कैसा खिलाते हैं इन्हें, कैसा नहीं खिलाते हैं, ये तो खिलाने के ऊपर रहता है। अच्छी देख रेख हो और खिलाना अच्छा हो तो भाई वो तो तंदुरुस्त होना ही होना है। तो ये है, चलो ये है इनका सबसे पुराना सेटअप जो आज से करीब 7-8 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। और अब देखेंगे सर का दूसरा सेटअप जो अभी कितने टाइम पहले बनाया है इस सेटअप ये सर? 4 साल पहले बनाया है। हाँ, ये 4 साल पहले का सेटअप बना हुआ है। और इस सेटअप का जो चैम्बर देख रहे हैं, काफ़ी सारे चैम्बर हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं सर ने ये चैम्बर बना रखे हैं
इनकी जो यहाँ से यहाँ तक जो नया सेट बनाया है इसकी क्या चौड़ाई रखी है? सर इसकी चौड़ाई 6 फुट है और लंबाई 8 फुट है सर। अच्छा 6x8 की लंबाई चौड़ाई है। हाँ, हाँ। और यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक और बच्चे रखे गए हैं। ये कैसे हैं? ये मादा जो है इनकी क्रॉस हो गई है। अच्छा इनकी मादा क्रॉस हो गई है। और ये जो बच्चे क्या कहते हैं अलग कर दिए गए हैं। 20-20 kg का एक बच्चा है जो कि ये 3 महीने 3.5 के लगभग हो गए हैं। अच्छा मिनिमम सर कितना वेट होने पर आप सेल करते हैं इनको? सर हम जो है क्या कहते हैं ये तो ग्राहक के ऊपर निर्भर रहता है ज्यादातर। अच्छा। लेकिन जब ग्राहक अगर इनकी च्वाइस है तो हम ये भी दे देते हैं और ज्यादातर तो क्विंटल का हम क्विंटल का हिसाब कर ही देते हैं। हाँ क्विंटल में हमें फायदा रहता है। अच्छा अभी ये तिरपाल डाल रखा है ये ठंड की वजह से? हाँ, ये सर तिरपाल जो डाल रखा है ये ठंड की जो के जानवर थोड़ा सेफ रहे। के जो हमारे जो किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और छोटे किसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी का स्तर ज्यादा ही हो, कोई कम का स्तर होता है, किसी का ज्यादा का होता है, किसी का मध्य का होता है, तो ऐसी कॉस्ट बताइए जिससे वो व्यक्ति स्टार्ट कर सके। हमारे छोटे किसान भाई जो एक जहाँ कंपनी में काम करते हैं या कहीं जगह काम करते हैं जॉब करते हैं तो उससे वो उसी के मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कर सकें। सर मैं कहना चाहूँगा कि जो कम से कम 3 लाख रुपए होने चाहिए और 5-6 कमरे बना लें, सेट बना लें 5-6, 3 इधर से और 3 इधर से, 4 फीट की जो बीच में गैलरी रख लें और शुरू करें। धीरे धीरे ये काम एक ऐसा है पिगरी फार्म का कि जैसे जैसे जो मादाएं ब्याती रहती हैं ऐसे ऐसे संख्या बढ़ती रहती है, उसी से जो बेचते रहते हैं उसी से जो चारा पानी खिलाते रहते हैं। अच्छा जो आपने 3 लाख रुपए ये बताया है ये केवल जानवरों का है या इसमें फीड कॉस्ट भी आ गई है? फीड कॉस्ट नहीं है इसमें सर। अच्छा केवल जानवरों का। अच्छा फीड कॉस्ट की है सर, मान लीजिए एक दिन में एक मादा 3 किलो खाती है। अच्छा 3 kg। हाँ ये छोटी हो मादा तो और कम खाती है और उससे भी छोटी हो तो और कम खाती है, लेकिन फुल साइज 1 क्विंटल की मादा 3 kg खाती है सुबह शाम में। सुबह शाम में हाँ, 3 kg। दो ही टाइम राशन दिया जाता है, दो टाइम। सुबह कितने टाइम दे सकते हैं? सुबह सर 8 से लेकर 10 बजे तक दे सकते हैं। अच्छा। शाम को लगभग 5 बजे से 5:30-6 के बीच में दे सकते हैं। अच्छा तो कोई भी छोटा किसान इस जो 3 लाख रुपए में इसको स्टार्ट कर सकता है। अच्छा 3 लाख में अगर हम जानवर की बात करें तो कितने जानवर होंगे और मेल फीमेल कितने होंगे या क्या होगा? मैं बताऊंगा कम से कम 1 लाख में हाँ 1 लाख में जो आपकी मादाएं मिल जाएंगी 5। अच्छा और 6-8 हजार का बॉर मिल जाएगा। अच्छा और उससे आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा 1 बॉर और 5 मादाएं। हाँ। इनके साथ में हम लोग जो हमारे किसान भाई हैं ये फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इतने जानवर से स्टार्ट करने के बाद में कितने टाइम बाद ऐसा लगेगा किसान भाइयों को कि उनको यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है? 1 साल बाद कम से कम। तो 1 साल के बाद यहाँ पर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सारी हाँ। चीज़ें और उसके बाद में जो इनकम दिखाई देगी वो भाइयों 1 साल के बाद इनकम दिखाई देगी किस रूप में? जब उनकी जो पैदा जब बच्चे आएंगे उनसे पता चलेगा। हाँ हाँ सर जब वो मादा ब्याएंगी, मान लीजिए हाँ। एक मादा अगर 8 बच्चे भी देती है तो 8×5=40 48 बच्चे 6 महीना में दे देगी। अच्छा 48 बच्चे 6 महीना में हाँ दे देगी और वो 6 महीना में वो उधर बड़े होंगे, मादा क्रॉस होके फिर 6 महीना के अंदर फिर दोबारा भी आ जाएगी। अच्छा तो जब तक 48 बच्चे तैयार हो जाएंगे जब तक वो जो 5-6 महीना के वो भी हो चुके होंगे, तो ये रहता है इसमें। अच्छा जो किसान भाई हैं अगर कोई आपको कहे कि जो है हमें इस काम को करना है तो हमें आपसे जानवर मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो वो छोटे मिल सकते हैं कैसे क्या है? मैं अपने किसान भाइयों के लिए छोटा भी दे दूंगा और अच्छा। बड़ा भी दे दूंगा और जो नया शुरू करता है किसान भाई उसके लिए मैं जो है प्रत्येक माता पे 1000 रुपये कम में देता हूँ। अच्छा जो ये सिद्धांत है। हाँ तो दोस्तों सर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो नए किसान हैं उनको ग्रो करने के लिए सर एक अलग से ही छूट देते हैं। कितने सर? सर 1000 रुपये पर मादा पे 1000 रुपये अलग से ही छूट देते हैं। तो सर के लिए थैंक यू बोलिएगा। कोई भी अगर इस बिजनेस को करना चाहता है तो सर और उसके लिए क्या सपोर्ट मिल सकता है? और सर सपोर्ट ये है कभी भी फोन करता है दिन में सुबह को करे शाम को मैं उसे रिसीव करता हूँ, उसे बताता हूँ पूरी बात, ये ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसा नहीं ये काम ऐसे करना है, जिससे कि आने वाले समय में भविष्य में उसे कभी परेशानी ना हो।
अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो व्यक्ति इसको ट्रेनिंग लेके करते हैं और कोई व्यक्ति बिगर ट्रेनिंग के करते हैं, तो लॉस बिगर ट्रेनिंग के भी हो सकता है? हाँ सर, बिना ट्रेनिंग के लॉस हो सकता है। वो देखिए सर, ट्रेनिंग का मतलब ये है, चाहे वो हमारे पास ही आ जाए, 6-7 दिन यहाँ पर रह ले, खाना खर्चा हम सब देंगे उसे, ऐसा नहीं है कि साहब वो कहीं जाए, उसके बाद में हम उसे बताएंगे ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। और हमसे ज़्यादा जो अगर ट्रेनिंग वो लेना चाहता है तो आरबीआई जो है, जो हमारा क्या कहते हैं पशु केंद्र, विज्ञान केंद्र जो है, हाँ, बरेली, जैसे बरेली में हुआ, हाँ, सर हाँ हुआ ले सकता है, हाँ। और पंतनगर में भी ले सकता है, मुरादाबाद में भी ले सकता है, अगर बीएससी एग्रीकल्चर है, हाँ। तो भारत सरकार द्वारा एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के द्वारा 2 माह का क्या कहते हैं फ्री जो है सेंटर में जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है सर के द्वारा, कैसी लगी ये जानकारी और कैसी लगी ये वीडियो और सर का फॉर्म? तो अगर आपको ये फॉर्म सर का अच्छा लगा, ये जो जानवर आप देख रहे हैं साफ शुद्ध लगे आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेंटेन दिखाई दिया सर का फॉर्म, तो सर के लिए एक इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर थैंक्स लिखें या आगे कुछ भी अपनी फीलिंग डाल सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा दिल से कि सर का बिजनेस आगे ग्रो हो, ताकि काफ़ी सारे जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट हो, और सपोर्ट के साथ में जब बहुत लोगों की सपोर्ट होगी तो इंडिया आगे बढ़ेगा।